हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो सब कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे। सो सबके लिए आज एक तो नया और नॉलेजेबल वीडियो का साथ मैं फिर से वापस आ चुका हूँ। सो आज का जो वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा या दिखाऊंगा जो आप लोगों आपका जो आधार कार्ड में, ठीक है, आधार कार्ड में आप लोगों आपका जो एड्रेस है वो वाला आप लोगों कैसे चेंज करेंगे। सो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करके वीडियो ऑन करते हैं। अगर आप लोगों मेरा चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और वीडियो देखकर अगर अच्छा लगा है तो और अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप लोगों मेरा इस वीडियो को फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करना और वीडियो को अपना दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करके वीडियो ऑन करते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, सो हम लोगों ने अपना जो डेस्कटॉप में आ चुका है। सो ये वाला आप लोगों ने अपना मोबाइल से भी कर सकते हैं। सो मैं आप लोगों को डेस्कटॉप से दिखा रहा हूँ क्योंकि डेस्कटॉप में बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों समझ पाएंगे, ठीक है, इसलिए आप लोगों डेस्कटॉप में दिखा रहा हूँ। आप लोगों मोबाइल से क्रोम खोल के उसको आप लोगों जो डेस्कटॉप मोड है उसमें भी कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल मोड में भी आप लोगों ये वाला कर सकते हैं। तो चलिए हम लोगों पहले अपना जो क्रोम है वो वाला हम लोगों खोल लेते हैं। तो देख सकते हैं हम लोगों क्रोम खोल लिया है। आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे करके आप लोगों ए वाला वेबसाइट में आएंगे। ए वाला वेबसाइट का लिंक मैंने अपना जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप लोगों उधर से भी जाके डायरेक्ट इधर आप लोगों अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो आप लोगों गूगल में आके आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा UIDA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये वाला सर्च करने से देख सकते हैं ये जो पहले वाला जो वेबसाइट है ये वाला में आप लोगों को क्लिक करने से देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ। इसका बाद आप लोगों को ये इंग्लिश आपका जो लैंग्वेज है वो वाला सिलेक्ट कर दीजिएगा। सो इसको सिलेक्ट करने का बाद देख सकते हैं ये वाला जो मोड है वो वेबसाइट तक खुल गया है। सो सेम ही वेबसाइट है आप लोगों ने देख सकते हैं। सो हम लोगों पहले अपना जो ये तो है लॉग इन कर लेते हैं आधार कार्ड तो इधर, ठीक है। आप लोगों का फोन नंबर के साथ अगर लिंक है तब भी ये कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को आपका अगल बगल में कोई बैंक है जिधर इधर आधार कार्ड का काम होता है उधर से जाके आप लोगों पहले अपना जो फोन नंबर तो है उसको रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। उसका बाद आप लोगों ये वाला घर में बैठ के ही कर सकेंगे, और नहीं हुआ तो आप लोगों उसको बैंक में जाके कर सकेंगे। सो ये देख सकते हैं ये जो माई आधार बोल के ऑप्शन तो है इसको इसमें क्लिक करने का बाद देख सकते हैं डाउनलोड आधार इसमें हम लोगों क्लिक करेंगे। तो डाउनलोड आधार क्लिक करने के बाद देख सकते हैं एक तो नया खुल गया है। उसका बाद ये देख सकते हैं इधर जो लॉगिन बोल के ऑप्शन है इस इधर हम लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। सो लॉगिन बोल के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं इधर एक तो ऑप्शन आ चुका है इधर एंटर आधार एंटर कैप्चर और एंटर OTP, ठीक है। इधर मैंने इधर आधार कार्ड का नंबर तो दे दूंगा, आप लोगों आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो वाला दीजिएगा। सो देख सकते हैं इसका बाद हम लोगों ने एक कैप्चर तो दे देंगे। सो देख सकते हैं ये कैप्चर तो देने का बाद और ये आधार कार्ड नंबर तो देने का बाद हम लोगों ने इधर जो सेंड OTP है ये वाला हम लोगों क्लिक कर देंगे। ये देख सकते हैं OTP जनरेशन सक्सेसफुल, इधर OTP सक्सेसफुल सेंड कर दिया गया है नंबर में। ये देख सकते हैं इसका हम लोगों के पास OTP तो आ चुका है। सो हम लोगों ने इधर OTP तो दे देंगे। इसका बाद हम लोगों ने लॉग इन कर लेंगे। ये देख सकते हैं हम लोगों का जो इधर राइट साइड में ये देख सकते हैं हम लोगों का जिसका आधार कार्ड है उसका पूरा इधर डिटेल्स तो है, और ये देख सकते हैं इधर पूरा एड्रेस तो है, ये एड्रेस तो चेंज होगा, ठीक है। तो आप लोगों आपका भी एड्रेस इधर से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोगों पहले चेंज करते हैं। ये देख सकते हैं इधर बहुत सारा ऑप्शन आ चुका है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, डॉक्यूमेंट्स अपडेट, डाउनलोड आधार ऑर्डर, आधार कार्ड PVC मतलब PVC कार्ड, आधार ऑर्डर, आधार PVC कार्ड, ये वाला जो आप लोगों ने आधार कार्ड का जो PVC कार्ड रहता है वो वाला का वीडियो मेरा चैनल पे है। आप लोगों आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, आप लोगों वो वाला वीडियो देख के ये वाला ऑर्डर का ऑर्डर कर सकते हैं। कैसे करके ऑर्डर करेंगे वो वाला आपको लिंक नीचे और आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए देख सकते हैं इधर एड्रेस अपडेट इसमें हम लोगों क्लिक करते हैं।
सो इसका बाद देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन है अपडेट आधार ऑनलाइन। सो इसका बाद हम लोग थोड़ा नीचे जाएंगे, इसका बाद प्रोसीड कर देंगे। ये देख सकते हैं एड्रेस का ये ठो आप लोगों इधर से कर सकेंगे, ठीक है। और नेम एक बार कर सकेंगे, डेट ऑफ बर्थ भी आप लोगों एक बार भी कर सकेंगे, और आपका जेंडर वो वाला भी एक बार चेंज कर सकते हैं, बट एड्रेस आप लोगों अनलिमिटेड बार चेंज कर सकते हैं। तो इधर में हम लोग क्लिक करेंगे, उसका बाद प्रोसीड टू अपडेट में क्लिक कर देंगे। ये देख सकते हैं इधर पूरा केयर ऑफ देना पड़ेगा, मतलब आपका पापा का नाम। ये देख सकते हैं ये वाला इधर आप लोगों का एक तो फॉर्म तो आ चुका है। ये वाला आप लोगों को पूरा फिलअप करना पड़ेगा। चलिए हम लोगों ने आप लोगों ने देख सकते हैं आप लोगों का जो करंट जो एड्रेस है ये वाला इधर दिया हुआ है। उसका बाद हम लोगों को इधर जो एड्रेस तो है, इधर हम लोगों को जो न्यू एड्रेस है वो वाला इधर आप लोगों को फिलअप करना पड़ेगा। इधर केयर ऑफ में अगर आप लोग मैरिड है, कोई मैरिड है तो उसका हस्बैंड का नेम होगा, और नॉन मैरिड है तो उसका फादर का नेम होगा। चलिए हम लोग का पहले व्हाट्सएप पर खोल लेते हैं। व्हाट्सएप में हम लोगों को भेजा है हम लोगों का कस्टमर। देख सकते हैं हम लोगों को ये वाला कस्टमर थोड़ा हमको भेजा है, उसका पापा का जो एड्रेस है उसमें वो लोगों का एड्रेस तो होगा, और इधर हम लोगों को एड्रेस तो भी दिया हुआ है। चलिए हम लोग पहले इसको फिलअप कर लेते हैं। देख सकते हैं हम लोगों ने ये वाला पूरा फिलअप कर लिया है। सो आप लोगों देख देख के फिलअप कीजिएगा। सो केयर ऑफ जो जिसका हस्बैंड है, मतलब जिसका शादी हो गया है उसका लिए उसका हस्बैंड का नाम, नहीं तो उसका फादर का नाम, ठीक है। इसका बाद इधर बिल्डिंग या हाउस जो है, उसका बाद स्ट्रीट, उसका बाद एरिया, उसका बाद लैंडमार्क, और इधर पिन कोड, ठीक है। और इसका बाद इधर डिस्ट्रिक्ट सब ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। उसका बाद आप लोगों को इधर एक ठो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, मतलब ये जो एड्रेस तो आप लोगों ने दिया है ये एड्रेस का बेसिस पे आप लोगों को एक ठो डॉक्यूमेंट्स इधर सबमिट करना पड़ेगा। देख सकते हैं आप लोगों बहुत सारा इधर डॉक्यूमेंट्स है, आप लोगों कोई भी एक तो दे सकते हैं, वोटर कार्ड, और उसका बाद वाटर बिल, और उसका बाद ST SC OBC सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, आप लोगों इंडियन पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, पोस्ट ऑफिस अकाउंट जो भी है उसका आप लोग इधर दे सकते हैं। मैंने इधर वोटर कार्ड तो दिया था, और उसका बाद इधर इसको सबमिट भी इधर कर दिया है। इसका बाद देख सकते हैं ये वाला पूरा इधर सबमिट हो गया है। इसको इसको आप लोगों PDF फॉर्म में कर लेंगे। आप लोगों PDF फॉर्म में आप लोगों प्ले स्टोर में जाके एक तो PDF कॉन्वर्टर डाउनलोड कर लीजिएगा फोन में। उसका बाद इसको इस इमेज को फोटो खींच के आप लोगों इसको PDF में कॉन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसका बाद इधर दीजिएगा, नहीं तो ये वाला सबमिट नहीं होगा इधर, ठीक है। उसका बाद ये देख सकते हैं हम लोगों ने नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें हम लोगों क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है इधर हम लोगों को क्लिक करने का बाद इधर ये देख सकते हैं ये वाला दोनों को क्लिक करने का बाद इधर नेक्स्ट में हम लोगों क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं यू विल बी चार्जेस 50 रुपीज टू प्रोसेस ऑनलाइन अपडेट रिक्वेस्ट। इसका बाद इधर में हम लोगों क्लिक कर देंगे। उसका बाद हम लोगों को इधर ये वाला से सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम लोगों पहले वाला पेमेंट मेथड तो सिलेक्ट करेंगे, उसका बाद इधर ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। ये देख सकते हैं इधर एक तो QR कोड आ गया है। आप लोगों UPI में भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग वॉलेट, फोन पे का वॉलेट, आप लोगों कार्ड में भी इधर कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इधर 11 मिनट का टाइमर स्टार्ट हो गया है। इधर से हम लोगों इसको कर देते हैं। ये देख सकते हैं इसका बाद हम लोगों इसको पेमेंट भी कर देंगे।
सो पेमेंट करने का बाद ये देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुली इधर हो चुका है, इधर रिडायरेक्ट हो जाएगा 10 सेकंड का बाद। ये देख सकते हैं इधर आप लोगों इधर हो गया है, एक टाइमर स्टार्ट हो गया है, इधर टिक भी हो चुका है। इधर ये देख सकते हैं इधर एक्नॉलेजमेंट तो आप लोगों डाउनलोड करके रखिएगा क्योंकि ये वाला आपको लगेगा। तो एक्नॉलेजमेंट मैं आपको थोड़ा दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट। एक्नॉलेजमेंट इधर से मैं इसको आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। एक्नॉलेजमेंट तो ये देख सकते हैं ये वाला एक्नॉलेजमेंट तो है, ये देख सकते हैं ये वाला आगे का आपका अपडेट है, मतलब ये वाला आगे का एड्रेस था और ये वाला अभी का एड्रेस है, ठीक है। तो इसका बाद आप लोगों ने देख सकते हैं इधर जो GSTN नंबर है पूरा ये डॉक्यूमेंट्स तो इधर आ चुका है। ये वाला आप लोगों ने डाउनलोड करके रखिएगा, इसको आप लोगों को लगेगा बाद में। तो इसका नाम मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो देख सकते हैं ये वाला हम लोगों का हो चुका है और इसका बाद गो टू डैशबोर्ड में हम लोग चला जाएंगे। सो इधर अभी भी देख सकते हैं ये वाला एड्रेस तो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। ये वाला हम लोगों को मिनिमम आपको 15 से 20 दिन लगेगा, 15 से 20 दिन का आगे ये हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये देख सकते हैं ये वाला पहले भी किया था, पहले मेरे को पहले वाला रिजेक्ट हो गया था क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स तो ठीक ठाक इधर नहीं दिया था, ठीक है। और ये वाला देख सकते हैं ये वाला पूरा इधर सबमिट होने का बाद ऑटोमेटिक आपका फोन में एक ठो मैसेज आ जाएगा, तो आपका फोन में एक ठो मैसेज आ जाएगा जो आप लोगों का ये वाला कंप्लीट हो चुका है। मिनिमम 10 दिन पकड़ लीजिए, 10 दिन का अंदर, और उससे पहले भी हो सकता है, 1 घंटे का भी अंदर हो सकता है, 1 महीने का अंदर भी आप लोगों का हो सकता है। मिनिमम 2 मंथ का ये लोगों टाइम पीरियड लेता है, उसका पहले ही ये लोगों कर देता है। 2 महीना नहीं लगता है, मिनिमम 10 से 15 दिन का अंदर ये हो जा सकता है, ठीक है। 10 दिन मिनिमम 10 दिन का अंदर ये हो जाता है। तो वीडियो तो इतना दूर तक, अगर वीडियो तो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को एक तो लाइक करके जाइएगा, चैनल में नया है चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको आप लोगों को क्लिक करके जाइएगा। तो चलिए फिर से नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का मुलाकात होगा।